इसके पहले जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वन अपान एक्स। यहाँ पर x माइनस वन अपान एक्स है, तो अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कैसे करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है x माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस फोर, ये हमारा है। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है ये हमारा हमेशा के होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये हमेशा के होती है। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, फोर के स्क्वायर माइनस फोर अंडर रूट सिक्सटीन माइनस फोर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेल्व, प्लस माइनस हर जगह रहेगा दोस्तों, तो प्लस माइनस का अंडर रूट ट्वेल्व, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, से इसमें दिया है एक्स पावर फाइव प्लस वन अपान एस एक्स पावर फाइव इज इक्वल टू फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पावर फाइव माइनस वन अपान एक्स पावर फाइव। दोस्तों जहाँ पर यहाँ पर सिंबल माइनस दिया रहा है और हमको माइनस में वैल्यू फाइंड करने को कहे, तो हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, ये वैल्यू एक्स पावर फाइव ए और यहाँ ये दोनों वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए, तभी जाके ये हमारी ट्रिक लागू होगी, नहीं तो ये ट्रिक हमारे वहाँ पर लागू नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, एक्स पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स पावर फाइव इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस फोर, तो के यहाँ पर हमारा फोर है, तो यहाँ पर हम के की वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट फोर के स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस फोर अंडर रूट ट्वेल्व आंसर। दोस्तों हमको यहाँ पर पावर में कितना भी दिया जा रहा है, चाहे थाउजेंड दिया जाए, टेन थाउजेंड, और यहाँ पर थाउजेंड टेन थाउजेंड, हमको ये वो सिर्फ हमको फंसाने के लिए दिया रहता है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमको दिया है x पावर थाउजेंड प्लस वन अपॉन x पावर थाउजेंड इज इक्वल टू एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर थाउजेंड माइनस वन अपॉन x पावर थाउजेंड। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा वही सेम फॉर्मूला लगेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस फोर, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के हमारा एट है, एट के स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर माइनस फोर इज इक्वल टू रूट सिक्सटी, प्लस माइनस का रूट सिक्सटी, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए हम देखते हैं हमको क्या करना होगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा एक्स पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स पावर फाइव इज इक्वल टू ब्रेकेट में के स्क्वायर प्लस का टू ब्रेकेट में के क्यूब प्लस का थ्री के, यहाँ पर लास्ट में होगा माइनस का के। तो के की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो के की वैल्यू हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस प्लस का टू और ब्रैकेट में थ्री का क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री
माइनस थ्री। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 3 3 9 + 2 11, 3 3 9 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 36 और यहाँ पर माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3 9 6 माइनस 3, ये आएगा 3 9 3, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और उसे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।